हेलो चिल्ड्रन, आई एम टेकिंग इंग्लिश ऑफ क्लास थर्ड। आई एम स्टार्टिंग सेंटेंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक। ये आपको इंग्लिश ग्रामर की बुक में सेंटेंस के बारे में बता रही हूँ, दैट इज़ चैप्टर वन। अब यहाँ मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड। अब आपके इनको रीड करो, इज़ ए बॉय गुड ही। आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है, कोई सेंटेंस बन रहा है? ये तो वर्ड्स ही हैं, इज़ ए, अलग अलग वर्ड्स हैं ये। बट जब इनको रीअरेंज करते हैं, इनको एक प्रॉपर वे में लेते हैं, तो ये एक पूरा सेंटेंस बन जाता है जिसका कोई मीनिंग भी होता है। ओके, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? नाउन्स हैं। किसी का नाम जहाँ स्टार्ट होता है वो भी क्या है? नाउन। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस बनता है मोस्टली नाउन से बनता है। ओके, देखो, ही इज ए गुड बॉय। अब एक सेंटेंस बन रहा है, पहले तो ये बिल्कुल अलग अलग थे, इज ए बॉय, कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा था, वर्ड्स थे ये। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? ही। अब ही में भी फर्स्ट लेटर क्या लोगे? कैपिटल। फर्स्ट लेटर कैपिटल, दैट इज ही। बाकी सभी लेटर्स आपको स्मॉल लेने हैं। ही इज ए गुड बॉय, और उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। अब ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया। ओके, सेम ऐसे ये अलग अलग वर्ड्स हैं, लव, आई, म्यूजिक, इनमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, अलग अलग वर्ड्स हैं, इनका हमें सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम ही, शी, इट, वी या फिर आई से स्टार्ट करते हैं, और आई कैसे आएगा? कैपिटल लेटर। सबसे पहला लेटर हम सेंटेंस में कैपिटल लेंगे, उसके बाद स्मॉल, आई लव म्यूजिक, बाकी सभी लेटर स्मॉल, म्यूजिक, इसके बाद क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। अगर आप सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो फिर आपके मार्क्स कट होते हैं, इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप। माई, रोहित, फ्रेंड, इज, कोई भी मीन्स नहीं बनता इनका। इट मीन्स इनका सेंटेंस कैसे बनाओगे? माई से स्टार्ट करोगे, माई, इसमें रोहित भी है, दैट मीन नेम भी है इसमें, तो रोहित इज माई फ्रेंड। इट मीन्स ये एक सेंटेंस बना है। अब रोहित में आर कैसा लोगे? कैपिटल लोगे। रोहित इज माई फ्रेंड। बाकी सभी वर्ड्स आप छोटे छोटे अल्फाबेट आपको स्मॉल लेने हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। अब इन तीनों जो सेंटेंसेस हैं इनका एक एक मीनिंग निकलता है पूरा सेंटेंस, जिसको हिंदी में आप कहते हो वाक्य। ओके, तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं वर्ड से। एक ये आपको एग्जांपल बता रही हूँ मैं, जैसे एक मैंगो, कोमा, चिल्ड्रन और लाइक। अभी हमने मैंगो लिख दिया, मैंगो मीन्स होता है आम, चिल्ड्रन बच्चे, और लाइक मीन्स पसंद करना। अब इसका सेंटेंस बन रहा है यहाँ? नहीं बन रहा, क्योंकि ये तो अलग अलग वर्ड्स हैं। इसको कैसे बनाएंगे? चिल्ड्रन लाइक मैंगो। अब ये इसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, तब इसको बोलते हैं सेंटेंस। इट मीन्स वर्ड्स को कैसे हम सेंटेंस में चेंज करते हैं। इसका सेंटेंस बन जाएगा, चिल्ड्रन लाइक मैंगोस। अब सी कैसा आएगा? कैपिटल लेटर, और मैंगो में एम ए एन जी, दैट इज फुल स्टॉप। ये मैंने आपको फोर सेंटेंसेस करवाए हैं। आप इसकी डेफिनेशन लिख लो कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप। अब इसकी डेफिनेशन लिखो, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स
ए कंप्लीट सेंस। ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस बनता है उसको बोलते हैं सेंटेंस। आर यू अंडरस्टैंड दिस ऑल? अब मैं आपको एक दो एग्जांपल बताऊंगी। आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 6 आपकी बुक में, पेज नंबर 6। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली, यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। आपको यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग में उसको कैसे शो ऑफ करना है और लास्ट में उस पर कैसे फुल स्टॉप लगाना है। दैट इज़ सो, ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी है। मैं आपको स्टार्ट करवा देती हूँ और इसकी पिक भेजूँगी मैं आपको, आपने यहाँ से देख के वो होमवर्क मुझे सेंड करना है। ओके, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज बी, पेज नंबर 6। आई एम टेलिंग यू 2 or 3 सेंटेंसेस, कैसे बनाएंगे इनको, ये आप बुक एक्सरसाइज बुक में भी करके मुझे सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट है बी पार्ट, फर्स्ट द बर्ड सेट ऑन द ट्री। अब देखो यहाँ ये सेंटेंस तो बना हुआ है बट इसमें मिस्टेक्स क्या क्या है। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, पहला लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल द, बाकी सभी स्मॉल में आएंगे और लास्ट में क्या पुट हो जाएगा, फुल स्टॉप। आपको यही करेक्शन करनी है, यहाँ कैपिटल लेटर बर सेट ऑन द ट्री देयर इज फुल स्टॉप। और सेम ऐसे ही सेकेंड वन मैं आपको बता रही हूँ, बाकी ये 14 तक हैं, आपको ये पूरी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे सेंड करनी है। सेकेंड और मैं आपको बता देती हूँ, बाकी सभी सेम है। जेम्स एंड पीटर डिड नॉट कम टू द पार्टी। अब फर्स्ट जे है, ये हम लिखेंगे कैपिटल लेटर। सेंटेंस तो ये है बट इसमें हमें करेक्शन करनी है। जे लिखेंगे कैपिटल, जेम्स एंड, अब पीटर ये नेम जो होता है वो स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से ही आता है, इसमें यहाँ भी हम कैपिटल ही लेटर लिखेंगे। पीटर डिड नॉट, बाकी सभी स्मॉल लेटर्स है, डिड नॉट कम टू द पार्टी, लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। आई होप यू विल डू दिस वर्क प्रॉपरली एंड सेंड मी। थैंक यू एंड वंडरफुल डे।